दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं और उसके साथ ही एक फोटोग्राफर भी, तो आज हम आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और हर एक फोटोग्राफर के लिए जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको उसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन्फोर्म में। तो दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर का नाम एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल आर्ट के लिए किया जाता है। ये लेयरिंग टेक्निकों का इस्तेमाल करता है जो कि इसे अलाउ करते हैं डिज़ाइन में डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के लिए, और सभी एडिटिंग प्रोसेसिंग के लिए भी ये यूजर्स को बहुत ही पावरफुल एडिटिंग टूल्स प्राप्त करते हैं जिन्हें अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। फोटोशॉप को ओरिजिनली डेवलप किया गया सन 1987 में थॉमस और उनके भाई कैनल्स के द्वारा, और फिर सन 1988 में इसे एडोब सिस्टम को बेच दिया गया जिसे बाद में फोटोशॉप के नाम से मार्केट में उतारा गया। तब से लेकर ये प्रोग्राम पूरे ग्राफिक इंडस्ट्रीज में एक एडिटिंग स्टैंडर्ड बनकर प्रसिद्ध हो गया। इसे बाद में मैक्स और विंडोज़ के लिए बनाया गया, लेकिन ये लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता। फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है .psd, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एक psd फाइल में मैक्सिमम 30,000 पिक्सल्स की ब्रीथ और हाइट होती है। साथ में एक फाइल की लेंथ लिमिट 2 GB होती है। दूसरी प्रकार के फोटोशॉप फाइल को .psb फोटोशॉप बिग कहते हैं। ये बड़े डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि करीब 3,00,000 पिक्सल्स के होते हैं और इसमें लेंथ लिमिट करीब 4 HB होती है। इसके बाद जब सन 1988 में फोटोशॉप 1.0 को पहली बार फरवरी 1990 में रिलीज़ किया गया, ये केवल एक्सक्लूसिव तौर पर मैकिंटोश के लिए था। उसके बाद प्रत्येक फोटोशॉप के रिलीज होने में पहले के मुकाबले बहुत नए नए फीचर्स ऐड कर दिए गए और बहुत ही कम समय में फोटोशॉप डिजिटल फोटो एडिटिंग का एक स्टैंडर्ड बन गया। चलिए अब हम बात करेंगे फोटोशॉप के वर्जन के बारे में। दोस्तों, सन 1990 में फोटोशॉप का सबसे पहला वर्जन 1.0 लोगों के इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद 2.0, 2.5, 5.0, 7.0 वर्जन जैसे बहुत सारे वर्जन को रिलीज़ किया गया। इसके बाद फोटोशॉप के कई और नए वर्जन आए जैसे फोटोशॉप CS, फोटोशॉप C53, फोटोशॉप C56, CC2017, फोटोशॉप CC2018 आदि वर्जन थे। अभी भी बात करें तो फोटोशॉप CC2018 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसे 18 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया। तो ये थे फोटोशॉप के वर्जन। अब हम आपको बताएंगे फोटोशॉप आप कहां से सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। फोटोशॉप को सीखने के लिए आप अपने शहर में कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखें कि वो आपको फोटोशॉप के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लेटेस्ट एप्लीकेशन पर काम कराए। यदि आप फ्री में यूट्यूब से सीखने के बारे में सोच रहे हैं, यूट्यूब आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां आपको बहुत सारी वीडियो फोटोशॉप पर मिल जाएंगी। इसके बाद आप अपने जान पहचान वाले फोटोग्राफर से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इससे आप और जल्दी ट्रेंड हो जाएंगे। आप अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल करके आप उसे चला सकते हैं। फोटोशॉप हेल्प कम्युनिटी से मदद लेकर आप फोटोशॉप को चलाना सीख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। पेन टूल। पेन टूल फोटोशॉप में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये टूल एक फोटोग्राफर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फोटोशॉप पेन टूल के बहुत सारे वर्जन मौजूद हैं। इसकी मदद से यूजर्स प्रीशियस पाथ क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस टूल से यूजर्स फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल से ड्रॉ पाथ बड़े ही आसानी से इमेज के मौजूदा ऑब्जेक्ट के आउटलाइन में अटैच हो जाता है जो कि उसे बैकग्राउंड से आइसोलेट करने में मदद करता है। क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ इमेज को डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है। शेप टूल। इस सॉफ्टवेयर में यूज़र को बहुत सारे शेप टूल प्रदान किए जाते हैं। शेप टूल की मदद से हम इमेज को कोई सा भी शेप प्रदान कर सकते हैं। मेजरिंग और नेविगेशन।
आई ड्रॉपर के इस्तेमाल से किसी भी एरिए के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे 3 सैंपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वही हैंड टूल का इस्तेमाल इमेज को नेविगेशन करने के लिए किया जाता है। सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल से इमेज के पार्ट को सिलेक्ट कर उस पर कट, कॉपी, एडिट और रिटचिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। क्रॉपिंग, क्रॉप टूल के इस्तेमाल से किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। चीज़ों को डिस्कॉर्ड भी कर सकते हैं। फोटो कंप्रेशन को बढ़ा व फाइल साइज को घटाया भी जा सकता है। स्लाइसिंग, ये स्लाइस और स्लाइस सेलेक्ट टूल क्रॉप टूल के जैसा ही इमेज को आइसोलेट करने में इस्तेमाल होता है। स्लाइस टूल की मदद से इमेज को बहुत से हिस्सों में काटा जा सकता है। मूविंग, इस मूव टूल का इस्तेमाल इमेज को एक स्क्रीन से दूसरी जगह में मूव करने के लिए किया जाता है। मार्क्यू, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम कुछ खास प्रकार के सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल रो, सिंगल कॉलम, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल। जिस एरिया को सिलेक्ट करा जाता है उसे ही एडिट कर सकते हैं बिना बाकी हिस्से को अफेक्ट किए। लेसो टूल, ये लेसो टूल बहुत ही सिमिलर होते हैं मार्की टूल के, जिसे यूज़र आसानी से कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए लेसो टूल में 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, रेगुलर, पॉलीलेगनल, मैग्नेटिक, की मदद से यूज़र इच्छा अनुसार ड्राइंग बना सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट कर सकता है ऐसे एरिया को जो कि वेस्ट होते हैं। पिक्सल ऑफ सिमिलर वैल्यू, इसमें बहुत सारी सेटिंग का चुनाव ठीक से करना होता है, साथ ही यूजर्स को सही इमेज का भी चुनाव करना होता है इस टूल के इस्तेमाल के लिए। इरेजर टूल, इस इरेजर टूल को एक्टिव लेयर के कंटेंट को इरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट इरेजर टूल्स के साथ साथ इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर, जिसकी टोन इमेज के बाकी हिस्सों के साथ कॉन्ट्रेस्ट हो। वीडियो एडिटिंग, एडोब के CS5 एडिटिंग में वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन भी प्रदान किया गया है यूजर को, जो कि बहुत सारे फाइल फॉर्मेट जैसे कि MOV, ABI, APEG, 4 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसका इस्तेमाल भी इमेज एडिटिंग के जैसे आसान होता है। 3D प्रिंटिंग टूल, इस टूल के इस्तेमाल से यूजर 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन क्रिएट और एडिट भी कर सकते हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल, इस टूल्स की सहायता से यूजर किसी भी कलर को रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों, हमने आपको 17 टाइप्स के टूल्स के बारे में बताया और कौन सा टूल्स कैसे काम करता है उसके बारे में भी बताया। अब हम आपको बताएंगे कि यूजर्स फोटोशॉप को क्यों सीखना चाहते हैं। एडोब फोटोशॉप में बहुत सारे हाईली क्वालिटी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ऑप्शन मौजूद हैं। ये ऐसी कुछ स्किल्स और प्रैक्टिस हैं जिन्हें आप एडोब फोटोशॉप के माध्यम से कर सकते हैं। फोटो मास्किंग, वाटर मार्क को ऐड करना और रिमूव करना, फोटो एडिटिंग, फोटो डिज़ाइन, फोटो कंपोजिशन, कलर करेक्शन, बैनर डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन आदि का काम आप फोटोशॉप सीखने के बाद कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को सीखने के लिए बस आपके पास थोड़ा क्रिएटिविटी होनी ज़रूरी है। एडोब फोटोशॉप की स्किल्स एक तरह से आपको आपके करियर और बिजनेस में मदद करता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप फोटोशॉप को सीखने के बाद इस फील्ड में कैसे पैसे कमा सकते हैं। फोटोशॉप एडिटिंग जॉब, आप फोटोशॉप सीखकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, अगर आपको ग्राफिक तथा वेक्टर बनाने की कला फोटोशॉप में आती है तो आप ऑनलाइन इस कला को बेचकर पैसे कमा सकते हैं और फ्रीलांसिंग पर जाके वेबसाइट बना सकते हैं। अपने डिज़ाइन बेचकर आप खुद की वेबसाइट बनाकर अपने डिज़ाइन और बैकग्राउंड को बेच सकते हैं। फोटोशॉप ट्रेनिंग देकर, आप दूसरों को फोटोशॉप सिखाकर पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो ऑफलाइन ट्रेनिंग देकर आप पैसे कमा सकते हैं या आप ऑनलाइन भी फोटोशॉप की कोचिंग देकर पैसे कमा सकते हैं। फोटोशॉप पर किताब लिख सकते हैं, यदि आप फोटोशॉप में माहिर हैं तो आप फोटोशॉप के ऊपर भी किताब लिख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विस दे सकते हैं आप फोटोशॉप के अलावा, विजिटिंग और बुक कवर और फ्लायर आदि की डिज़ाइन का बिजनेस कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपको हमने बताए फोटोशॉप सीखकर पैसे कमाने के ऑप्शंस।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप 7.0 के लिए कौन सा विंडो यूज कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को सही तरीके से चलाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 जिसमें सर्विस पैक विंडो 8.1 या विंडो 10 का होना आवश्यक है, तभी आप फोटोशॉप वर्जन 7.0 को सही से अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी फोटोशॉप की पूरी जानकारी। आई होप हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।